देवघर एयरपोर्ट पर आज से विमानों का परिचालन शुरू हो रहा है। ऐसे में आज कोलकाता से देवघर एयरपोर्ट के लिए पहले विमान ने उड़ान भरी। इंडिगो की विमान संख्या 6E7939 आज सुबह 10:15 कोलकाता एयरपोर्ट से देवघर के लिए रवाना हुई और 11:15 में देवघर एयरपोर्ट पहुंच गई। देवघर एयरपोर्ट पर पहले विमान के पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने जय शिव और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मुझे बहुत खुशी है, इस ऐतिहासिक पल का मैं हिस्सा बन पाया हूँ। आज देवघर के लिए पहली फ्लाइट इंडिगो की कोलकाता से निकलने वाली है। हम लोग अभी इसको बोर्ड कर चुके हैं, कुछ मिनटों में इसका टेक ऑफ होगा और पहली बार बाबा की धरती पर हवाई यात्रा शुरू होगी और ये हवाई जहाज उतरेगा। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अथक परिश्रम से, और माननीय मंत्री नागरिक विमानन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो आज कोइंसिडेंटली इसी फ्लाइट में हैं हम लोगों के साथ, और स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे जी, जिन्होंने बहुत ही लगातार मेहनत करके आज इस योजना को धरातल पर उतारा है। और रांची के बाद झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवघर बनने जा रहा है। मैं इसके लिए सभी देवघर वासियों को बधाई देता हूँ और झारखंड वासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।